महिंद्रा जी है ना, नेशन मैगजीन के जर्नलिस्ट। ये आपके चेहरे पर घाव और ये गर्दन पे खरोच है, ये कैसे? सिर्फ यही नहीं, ये भी देखिए, ये चारों खून एक दूसरे से 3 महीने के बाद हुए और हर मरने वाले को 3rd महीने की पूर्णमासी की रात को मारा गया। पुलिस इस बारे में क्या कह रही? पुलिस ने आज शाम को इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें इस केस के बारे में कोई जानकारी देंगे। शाम को तो मैं जादू के शो में जाने वाली हूँ। जादू का शो? हाँ, जादूगर रणधीर स्विमिंग पूल पे अपने जादू का शो करने वाला है। उसने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और मैं कोशिश करूंगी कि आज वो मुझे इंटरव्यू दे। कमाल है शर्मिला, तुम इतना बड़ा मर्डर केस छोड़ के बकवास जादू का शो देखने जा रही हो? हाँ, ये बकवास नहीं है। बिजनेसमैन प्रताप ने चैलेंज किया है कि वो जादूगर रणधीर को जंजीरों में जकड़ के एक संदूक में डालेगा और वो संदूक जब पानी में जाएगा, अगर वो 3 मिनट में अगर वो बाहर निकल आता तो बिजनेसमैन प्रताप उसे 1 करोड़ रुपए देगा। देख लीजिए प्रताप साहब, सब ठीक है ना? ठीक है, अब उस बच्चे में बंद हो जाइए। देखो रणधीर, अब भी वक्त है, तुम अपनी हार मान लो। 3 मिनट तक बगैर हवा के पानी में रहना कोई मजाक नहीं है, तुम मर भी सकते हो। क्यों डर गए कि कहीं मैं जीत न जाऊं? देखो रणधीर आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटता। बंद करो। बिल्कुल नहीं, रणधीर तो क्या दुनिया का कोई भी आदमी उन मोटी जंजीरों को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। लेकिन सर उसकी मौत हो सकती है। उसने लिख कर दिया है कि अगर वो मर गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। 3 मिनट तो हो गए हैं, अभी 10 सेकंड बाकी है। अरे आप उसे मार डालेंगे क्या? संदूक बाहर निकलने में खुलने में भी तो समय लगेगा। 3 मिनट से न 1 सेकंड कम न 1 सेकंड ज्यादा। 4, 3, 2, 1, 0। रणधीर हार गया, उसे बाहर निकालो, देखो जिंदा है भी या नहीं। संदूक पे कैसे आ गए? प्रताप साहब आप तो वो आप तो संदूक में थे ना? इसी का नाम तो जादू है मैडम। गुड इवनिंग रणवीर साहब, आपने मुझसे कहा था कि शाम को आ जाना, सो मैं आ गई। आइए। आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। तो दिखिरा। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप ये सब कुछ कैसे करते हैं। मैंने अगर तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम उसे अपने अखबार में छाप दोगी और मेरा राज खुल जाए। देखिए मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखिए मैं ये टेप भी बंद कर देती हूँ। मैं इस राज को जानने के लिए इतनी बेताब हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? जिद करती हो तो बता देती।
का जादू। वाकई विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता। दिखा दो। में मैं जादू के छोटे मोटे खेल दिखाया करता था। इसके लिए हमें गांव गांव शहर शहर भटकना पड़ता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से गांव में मुझे जादू पर यह किताब मिली। ये जादू पर हाथ से लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब। इसमें जादू के तरीके लिखे हैं। काला जादू। काला जादू। हाँ, इससे हम प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करते हैं और वो हमें जादू शक्ति देती है। लेकिन शक्ति को पाने के लिए मुझे बलि देनी पड़ती है। इंसानी बलि। इंसानी बलि? हर 3 महीने बाद पूर्णमासी की रात को फिर बलि देनी पड़ती है। इंसानी बलि। शहर में जो खून हो रहे हैं वो तुमने? इसका मतलब ये हुआ कि तुम खूनी हो? मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। था कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी और अब तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो। उस वक्त मुझे तुम्हारी असलियत का नहीं पता था। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे बारे में अखबार में लिखूंगी। मैंने कहा ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज के बाद कभी सोना नहीं। क्यों नहीं सुना? जानती रहो। नरो अपूराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सूरज ना चैनं। सूरज ये क्या हो रहा है? कौन मर गया है? हाँ, यदि मारुता जवाब दो। कौन है वहाँ पे? पिता को अग्नि देने का समय हो गया है। ये क्या कर रहे हैं आप? आइए अग्नि दीजिए। आइए त्यापू ना शोचनी मारता है और इसकी मार मुझे हकीकत में आके लगती है।
शर्मिला जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक है, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, बकवास कर रही हूँ? ये मेरे जले हुए हाथ, ये गले पे निशान, चेहरे के जख्म, ये सब सबूत है इस बात का कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी आपके सपनों में आकर आपको मारता है लेकिन निशान हकीकत में लगते हैं? मेरा दिमाग तो इस बात को नहीं मानता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें जिससे मुझे नींद आए, मैं जागती रहूं। मैं पिछले 8 दिन से कॉफी पी पी के जाग रही हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, वरना रणवीर मुझे मार डालेगा। देखिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। क्या मतलब? वो लड़की मुझ पर खून का काला जादू करने का इल्जाम लगा रही है, आप कह रहे हो मैं उसकी मदद करूं? भाई, मैं तो लोगों का मनोरंजन करता हूं, मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाने लगा? आई अंडरस्टैंड रणवीर साहब, लेकिन वो ये कहती है कि इन सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। वो झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। आपका मतलब है शर्मिला ने अब तक आपका कोई इंटरव्यू लिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके हाथ कैसे चले? उसके चेहरे पर जख्म कैसे आए? वो लड़की पागल है, अपनी बात साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप उसकी नींद का इलाज कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये आपको किसने बताया कि उसे नींद की शिकायत? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ना कि पिछले 8 दिन से डर के मारे वो सोई नहीं, कहीं सपने में आकर मैं उसे मार ना डालूं। आप तो डॉक्टर, आप ही बताइए, जो इंसान पिछले 8 दिन से सोया नहीं हो उसका दिमाग क्या ठीक से काम कर सकता है? उसे एक अच्छी गहरी नींद मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। That's right. मेरे लिए भी और मेरे लिए भी। राम और शर्मिला, ये नींद ना आने का इंजेक्शन, इससे तुम कम से कम 24 घंटे तक लगातार जा सकते। मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, आपने मुझे पास इंजेक्शन दे दिया, मुझे नींद आ रही है सर, मैं सोना नहीं चाहती। मतलब समय आ गया है।
मैं अपना बदला ले सकता हूँ। मुझे सोने मत दीजिए, मुझे सोने मत दीजिए। बेचारी सचमुच परेशान थी, सोकर उठेगी तो अच्छा महसूस करेगी। स्लीप वेल। कितनी बार कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, शर्मिला का खून मैंने नहीं किया। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। आपने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? विक्रम, ये तो पुलिस वाले हैं, इनका पेशा है शक करना, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको क्या लगता है मैं खून कर सकता हूं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जो तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं जल्दी तुम्हें यहां से छुड़ा लूंगा। लेकिन मैंने खुद ने देखा कि जिस वक्त शर्मिला का खून हुआ उस वक्त तुम उस कमरे में अकेले थे, और तुम कहते हो कि मैंने वो खून नहीं किया, तो फिर किसने किया? मैंने नहीं किया भाई, मैं क्या ये है शर्मिला का कातिल, ये कौन है? रणधीर, जादूगर रणधीर, लोगों का मनोरंजन करना मेरा पेशा है, लेकिन आपके दोस्त के कहने के मुताबिक मैं एक खूनी। ये मैं जानता हूं। देखिए, आप एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हैं। आप बताइए, शर्मिला की चीख की आवाज सुनकर जब आप उस कमरे में पहुंचे थे तो क्या मैं वहां पर था? मैं तो आपको आज पहली बार देख रहा हूं। लीजिए, आपका दोस्त भी गवाही दे रहा है कि खून के वक्त मैं उस कमरे में नहीं था, और इंस्पेक्टर साहब भी जानते हैं कि उस वक्त मैं अपने घर पर था। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं तुमने क्या किया। तुमने शर्मिला को सपने में मारा है। That's right. इसने शर्मिला को सपने में मारा है और उसके लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया है, उसे नींद का इंजेक्शन दिखाकर। भगवान जाने आपके दोस्त को क्या हो गया है। मेरा ख्याल है इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बेहतर होगा ये कुछ देर के लिए सो जाए। हाँ अर्जुन, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे दुनिया के सामने बेनकाब करके ही रहूंगा। मैं नहीं जानता तू क्या करता है और कैसे करता है, लेकिन अब तेरा ये खेल खत्म करके ही दमूंगा। सॉरी, मैंने गलत कहा था, तुम्हें सोने की नहीं जागने की जरूरत है। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, आज के बाद जागते रहो।